या प्लीज टेल मी बेटे। वन वैल्यू इंक्रीजेस देन अदर वैल्यू विल आल्सो इंक्रीज क्योंकि एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट डिक्रीज और इंक्रीज कि दोनों साइमल्टेनियसली इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट यू नो टू क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज की बात करते हैं बोथ द क्वांटिटीज दे आर इंक्रीजिंग टुगेदर देन वी विल से दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दे आर डिक्रीजिंग टुगेदर देन ऑल्सो वी विल से दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है अलॉन्ग विद दिस चलो इंक्रीज और डिक्रीज का तो आपको पता चल गया। इसके साथ और क्या कंडीशन होनी चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप क्वेश्चंस में यूज करते हैं। चलो इंक्रीज और डिक्रीज तो आप ओरली बता सकते हो किसी भी चैप्टर को क्वेश्चन को देख के कि यस एक्स एंड वाई बोथ आर इंक्रीजिंग और बोथ आर डिक्रीजिंग देन वी विल से दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है कैन यू सी द बोर्ड जस्ट अ मिनट मैं इसको सेट करती हूँ बेटा। यस नाउ यू कैन सी द बोर्ड क्लियरली। ओके बट बोथ द थिंग्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुगेदर वो तो आप ओरली भी बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे आप बता पाओगे कि यस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं तो उनकी जो वैल्यूज हैं दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटे कैन यू गिव मी एग्जाम्पल। चलो पहले डायरेक्टली की बात करते हैं। इट मींस वी कैन जब डायरेक्टली की बात हो रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है तो इन दिस वी कैन से कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स एंड नंबर ऑफ चॉकलेट्स एट एफ सेक्शन सेटल हो फास्ट बेटा। यस टेबल सीट मिल रही है बैठ जाओ जल्दी से। यस ओके नाउ एवरीबॉडी सेटल लुक स्ट्रेट। When we talk about number of chocolates and cost of chocolates, don't you know कि अगर एक चॉकलेट आपकी 50 rupees की आई है, rupees 50, तो अगर टू चॉकलेट्स बाय करोगी तो उनकी कॉस्ट क्या होगी? 50 + 50 यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी, दैट विल बी rupees 100। ठीक है थ्री चॉकलेट्स करोगे तो आपके पास कितना आएगा ₹50 + ₹50 + ₹50 सबको ऐड करोगे तो 150 आएगा। ठीक है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है और आपको नोन है ये ऐसा ही होगा। अगर मैं दो चॉकलेट को लूंगी तो खरीदूंगी तो मेरे को इतनी मनी देनी पड़ेगी, फोर खरीदूंगी तो इतने मनी देनी पड़ेगी, दैट इज फिक्स्ड। इट मीन्स कि व्हेन वी टॉक अबाउट अगर ये आपके पास एक्स है ये आपके पास वाई है तो देयर रेशियो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 50/1 देन इट इज 2/100 50/100 देन इट इज 100/2 देन इट इज 150/3 यू कैन सी सारे केसेस में तीनों के तीनों केसेस में हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 50, 50 और 50 आ रहा है। दिस इज कॉन्स्टेंट जो कि चेंज नहीं होगा हमेशा, चाहे आप जितनी मर्जी नंबर ऑफ चॉकलेट्स खरीद लो वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ठीक है क्योंकि उसकी कॉस्ट हमें पता है। दिस इज फाइन हैव यू अंडरस्टूड फ्रॉम एग्जाम्पल। बेटे जिन बच्चों को ये मुश्किल लगता है चैप्टर आई मस्ट टेल यू ये चैप्टर बहुत ही इजी है। जस्ट आपको उसको बारे में सोचना है कि वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है दोनों की दोनों क्वांटिटीज या फिर डिक्रीज हो रही है।
फिर एक इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके डेली यूज में जो जो आप यूज करते हो उसके बारे में ही है, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि कुछ इमेजिन करना है आपको, सारी चीजें आपके सामने डेली यूज में जो एक्टिविटीज होती है उसके बारे में ही है चैप्टर ये। ओके, दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू एवरीबडी? तो आपने मेरे को बताया कि डायरेक्ट में क्या होता है कि बोथ आर आइदर बोथ इंक्रीज और बोथ डिक्रीज, उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है बेटे। देयर रेशियो शुड बी कांस्टेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ, दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल, दिस वॉज फर्स्ट एग्जाम्पल, एंड कीप नोटिंग ऑल्सो, आपको लिखना भी साथ साथ में, ठीक है। सपोज आपके पास बेटे ये नाइन्थ बी में, सॉरी 8th B में काफी आवाज आ रही है, सिट साइलेंटली। एट एफ ऑल्सो, लुक स्ट्रेट एवरीबडी। ओके, आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, ओके, और आपने बताना है कि वो डायरेक्ट है कि नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट मदर्स एज एंड फादर्स एज, एज, ठीक है। फर्स्ट सपोज कर लो, इसको हम एक्स ले रहे हैं, ये एक्स है आपका और ये वाई है, ठीक है। तो मदर्स की एज सपोज कर लो 30 इयर्स है और सन की एज 4 इयर्स है। ऑफ कोर्स सन इज यंगर टू मदर, ठीक है। मदर की इंक्रीज हो रही है तो सन की भी इंक्रीज होगी, पता ही है आपको, ठीक है। आफ्टर 5 इयर्स मदर्स एज विल बी 35 एंड आफ्टर 5 इयर्स सन्स एज विल बी 9। आफ्टर दैट अगेन आफ्टर 5 इयर्स मदर्स एज विल बी 40 एंड सन्स एज कितनी होगी? 14 इयर्स। इज इट क्लियर? वी आर टॉकिंग अबाउट कि 5-5 साल बाद मदर की एज और सन की एज, आपको पता है वो इंक्रीज करती जा रही है, एज तो इंक्रीज होगी होगी, डेफिनेटली होगी। तो कैन यू टेल मी इन दिस वे कि ये भी डायरेक्ट है? इसमें भी तो दोनों इंक्रीज हो रही है ना, मदर की एज भी इंक्रीज हो रही है, सन की एज भी इंक्रीज हो रही है, आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? प्लीज थिंक इट, सोच के बताओ मेरे को। सोच के बताओ कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? फ्रॉम योर डेफिनेशन, यस, कौन बता रहा है? यस यस बताओ। दिस इज डायरेक्ट, हु इज इनडायरेक्ट? रेज योर हैंड। ओके, अब बाय डेफिनेशन यू आर सेइंग दिस इज डायरेक्ट, यू आर राइट, ठीक है, बट वी हैव टू चेक द रेशियो ऑल्सो। एक्स अपॉन वाई, एक्स वन अपॉन वाई वन विल बी 30/4, एक्स टू बाय वाई टू विल बी 35/9, एक्स थ्री बाय वाई थ्री विल बी इक्वल टू 40/14, ठीक है। प्लीज चेक इट कि इनका रेशियो सेम आ रहा है सबका, जल्दी से कैलकुलेट करो। मूव योर पेन, डू इट ऑन योर नोटबुक्स। यस, टेल मी इनका कांस्टेंट आ रहा है बेटा? इसको ऐसे नहीं देखना, इसको काटना है। अगर लोएस्ट फॉर्म में करो इसको, कितना कर सकते हो इसको करो, क्योंकि टेबल से 2 to the 4, 15 to the 30, इट इज कमिंग 15/2, ठीक है। दिस इज 35/9 ओनली, ये आपस में नहीं कट रहे, इसकी रेशियो 15/2 आ रही है, इसकी 35/9 आ रही है, ओके।
और एक्स थ्री बाय वाई थ्री की रेशियो क्या हो रही है, फिर से इसको टू से काटो, 7 2 14 एंड 20, 20/7 इज द रेशियो सेम। प्लीज राइट आउट दिस एग्जाम्पल। एक हमने ये एग्जाम्पल लिखा था कॉस्ट एंड नंबर ऑफ प्रॉफिट का, फर्स्ट एग्जाम्पल, और दूसरा हमने लिखा है एग्जाम्पल मदर्स एज और सन्स एज का। प्लीज नोट डाउन, दोनों के दोनों नोट डाउन करो। एट है, साइलेंट प्लीज। यस बेटा, एट से बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है बच्चे जो बैठे हैं नीचे। नाउ प्लीज टेल मी, एट बी से स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग, प्लीज टेल मी इज दिस डायरेक्ट या टू चेक, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है या फिर नहीं है? डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट मत बोलो इसको, ये बोलो कि डायरेक्ट नहीं है वो। दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है? रेशियो इज नॉट कॉन्स्टेंट, कैन यू सी, रेशियो इज नॉट कॉन्स्टेंट, देयरफॉर इट इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज इट फाइन? Any doubt in this? बड़े खड़े होकर डाउट पूछो अगर कुछ है तो, अगर अंडरस्टैंड कर लिए देन रेज योर हैंड की यस वी हैव अंडरस्टूड, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, इट मीन्स कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो दोनों इंक्रीज करिए तो हमेशा ही डायरेक्टली ही होंगे। ओके, जैसे हमारी फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट इकट्ठे नहीं ग्रो करते, जितनी हाइट इंक्रीज होगी उतना वेट भी इंक्रीज होगा, ऐसा तो नहीं होता? या जितना वेट इंक्रीज हो रहा है हमारा उतनी हाइट भी इंक्रीज होगी, ऐसा तो नहीं होता? कई आपने देखे होंगे शॉर्ट हाइट होते हैं बट उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे फिजिकल ग्रोथ है हमारी हाइट एंड वेट इकट्ठे ग्रो करते हैं, यस बाय एज हम ग्रो करते हैं, बट वो इक्वली ग्रो नहीं करते, उनका कॉन्स्टेंट नहीं आता रेशो हमेशा, ठीक है? तो इसलिए इट नीड नॉट बी दोनों इंक्रीज कर रहे हैं या दोनों डिक्रीज कर रहे हैं तो हमेशा डायरेक्टली होंगे। ओके, प्लीज माइंड दिस। ओके, क्वेश्चंस भी अभी हम करेंगे, देन यू विल कम टू नो। सो वन थिंग इज क्लियर टू यू, इफ बोथ आर इंक्रीजिंग और बोथ आर डिक्रीजिंग, नॉट नेसेसरी कि वो डायरेक्टली ही होगा, दैट इज क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। ओके, बच्चे नोट कर रहे हैं, यस आई विल वेट फॉर यू, अभी और भी एग्जाम्पल करेंगे। Okay, I will ask you more examples. इसीलिए चैप्टर बना है कि आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, और अगर उनकी रेशियो कांस्टेंट आ रही है तो ही वो होगा, अदरवाइज नहीं। पहले एक क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू में से, फर्स्ट क्वेश्चन मॉड्यूल आपके साथ है, मॉड्यूल वन, पहले एमसीक्यू का क्वेश्चन करते हैं ताकि उसको सॉल्व भी कर पाए, ठीक है? उसके बाद वी विल डू एस शेड्यूल। Okay, start reading beta. See what all is given. In these questions, direct and inverse, may you know you have to make a table in the beginning. Okay? These are easy questions, but jaldi mein bhi nahi karne ki wo calculation uski wrong ho jaye. Okay, make a table beta.
I'm reading the question for you. You also see in the module. In a library, 136 copies of a certain book require a shelf length. ठीक है, आपके अगर बुक्स रखनी होती हैं, आप जगह बनाते हो ना वहां पे, घर पे भी आप रखते हो गए, आप जगह बनाते हो, टू बुक्स रखनी है तो मेरे को इतनी स्पेस चाहिए, थ्री रखनी है तो इतनी स्पेस चाहिए, फोर रखनी है या फाइव रखनी है तो उसके लिए मेरे को ज्यादा स्पेस चाहिए. तो इसका मतलब है कि जितनी नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा ज्यादा आपको स्पेस भी चाहिए होगी. ठीक है, इट सीम्स टू बी डायरेक्ट. ओके, कि देखने में तो स्टोरी से तो इसको यही पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो वी हैव टू कैलकुलेट इट बाय फॉर्मूला आल्सो. ठीक है, इन अ लाइब्रेरी 136 कॉपीज ऑफ अ सर्टेन बुक रिक्वायर अ शेल्फ लेंथ ऑफ 3.54 मीटर. ओके, नंबर ऑफ कॉपीज इट मींस कि बुक्स जितनी हमें दी हुई है, 136 बुक्स दी हुई है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, पहले तो आपको बेटा इस क्वेश्चन में जितने भी ये क्वेश्चन है आपको ये ऑब्जर्व करना है कि किन टू क्वांटिटीज की बात हो रही है. ओके ओके, कौन बताएगा मेरे को खड़ा होके कि दो क्वांटिटीज कौन कौन सी यूज हो रही है इसमें? Who will tell me? Yes, एक tab. Tab section में से कौन बता रहा है कि दो क्वांटिटीज कौन कौन सी यूज हो रही है इस क्वेश्चन में? D section. Length and notebooks. नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड लेंथ ऑफ शेल्फ. राइट नाउ टेबल में आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ बुक्स एंड दूसरा आपके पास है लेंथ. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं. तो यू हैव टू राइट इट्स वैल्यू. 136 कॉपीज, वन वी हैव हियर वी हैव 136 और उसकी जो लेंथ है हमें दी हुई है 3.4 मीटर. ओके, How many copies of the same book would occupy a shelf length of 5.1 meter? Now this is given. Here it is question mark. Here it is 5.1 meter. Okay, this is a table in front of you. You have to mark it yourself. X and Y. Okay. This is X. This is Y. You can write it. Let number of books is equal to x and number of length is equal to y meter. ठीक है, ये आपके पास फिर x1 represent करेगा. यहाँ पे लिखना पड़ेगा x1 is equal to 136, उसके साथ y1 क्या है 3.4 meter. ओके, corresponding value आपको लिखनी पड़ेगी कि x1 के सामने y1 क्या कौन सा वाला यूज कर रहे हो आप और x2 के साथ y2 कौन सा यूज कर रहे हो. ठीक है, x2 आपके पास x2 is not known to you, we have to find out and y2 we have to find, sorry it is given, it is 5.1 meter. ठीक है, from the statement we know that this is directly proportional क्योंकि दोनों increase हो रहे हैं. Okay, so we have to apply the formula of directly proportional. इसका formula क्या है? Both are increasing, you can see. Directly proportional है, आपको लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे. Directly proportional. कई बार क्वेश्चंस में आई थिंक आपके मैम ने भी लिखवाया होगा कि दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पूरी लाइन लिखते हो आप. डू यू राइट, लिखते हो वहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? यस, यू हैव टू राइट दैट ऑल्सो. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 वन बाय वाई वन शुड बी इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू. ठीक है, यू कैन, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दैट, वो आपका कॉन्स्टेंट आना ही चाहिए. ओके, तो वो जो कॉन्स्टेंट आएगा दैट विल बी, यू हैव टू फाइंड आउट. प्लीज फाइंड आउट x1 वन बाय वाई वन कितना आया. यस, कैलकुलेट. You have to find the missing value x2. Okay, 136 by 3.4 is equal to x2 divided by 3.1. Please calculate cross multiply karke, you know how to find the missing value. 200 more answer. Kitna bete? 204. 204.
ओके रेट ऑफ एंड क्या आ रहा है 204. ओके वेरी गुड, काफी बच्चों ने निकाल लिया, गुड. ये क्वेश्चंस बेटे आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पूरे स्टेप्स लिखने बहुत जरूरी हैं. ठीक है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है और फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, आपको पता है. तो एक्स टू की वैल्यू आ रही है हमारे पास, एक्स टू इज इक्वल टू 136 इंटू 5.1 डिवाइडेड बाय 3.4. प्लीज रिमेम्बर इसमें डेसिमल को आपको डील करना है. ओके, नाउ यू आर ग्रोन अप, यू कैन यू नो हाउ टू सॉल्व द डेसिमल नंबर्स आल्सो. ठीक है बेटे, और इसके डेसिमल्स को प्लीज यू कैन रिमूव, क्योंकि सेम प्लेस पे है उनका डेसिमल. एंड आफ्टर कटिंग यू आर फाइंडिंग इट इज कमिंग आउट टू बी 204. एक्स टू इज इक्वल टू 204. दिस इज अ मिसिंग नंबर. ओके, चलो वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर टू, सेकेंड क्वेश्चन, प्लीज रीड इट एंड मेक द टेबल. टेबल बनाना जरूरी है बेटा इसमें ना. वे ऑफ राइटिंग कुड बी डिफरेंट, अगर आपको एक्स टू की जगह एक्स लिखवाया हुआ है मिसिंग वैल्यू तो आप. ओके, कौन बताएगा मेरे को कि हैव यू डन इन द सेम वे वी ऑफ राइटिंग आपको क्लास में 8B से गर्ल्स जो आगे बैठे हैव यू डन इन द सेम वे क्लास में ऐसे ही किया हुआ है बेटा आपने. Yes, children who are sitting here. जिनके पास माइक है प्लीज टेल मी, आगे जो बॉयज बैठे हैं. Yes. Have you done it the same way? Done it the same way? Yes, yes. All right. All right. Second question. The amount of extension in an elastic string varies directly as the weight hung on it. अब आप देखो कोई भी स्प्रिंग है आपके पास मान लो, या फिर ठीक है स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग ऐसे बना हुआ है सपोज. ठीक है, स्प्रिंग पे आप जितना वेट लगाओगे, यहाँ पे जितना वेट लगेगा उतना वो उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी. यहाँ पे अगर 5 kg है तो उसका इतना है, अगर नीचे आप 10 kg लगा दोगे तो ऑफ कोर्स आपको पता है उसकी जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, एक्सटेंशन उसकी बढ़ जाएगी, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा. ऐसे ही होता है ना कि इलास्टिक, अभी तो मैंने स्प्रिंग का एग्जाम्पल दिया है, तो आपके पास इलास्टिक स्ट्रिंग है तो द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब कि उतना वो लंबा होता जाएगा. ठीक है, इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग वेरीज डायरेक्टली मतलब जितना वेट इंक्रीज करते जाओगे उसकी लेंथ जो है वो उतनी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वो इलास्टिक की है. ठीक है, तो इफ अ वेट ऑफ 150 ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 2.9 सेंटीमीटर, साथ के साथ हम वेट के साथ साथ इसकी लेंथ भी मेजर कर रहे हैं. ठीक है, आपको पता है कि वेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारी लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेट इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यू हैव टू मेक अ टेबल. क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे यू कैन राइट हियर अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज अ वेट और हंग ऑन इट. वेट फर्स्ट यू कैन राइट हियर वेट, एंड सेकेंड यू कैन राइट एक्सटेंशन. ठीक है, जो जो वर्ड उन्होंने लिखे हैं आपको भी सेम ही लिखनी है. फर्स्ट आपके पास है 50 ग्राम एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके पास 2.9 सेंटीमीटर आ रही है बेटा एक्सटेंशन उसके. देन व्हाट वेट वुड प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 17.4 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन 17.4 सेंटीमीटर, दिस यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द वे टू डू. Either you can put your missing को expose कर लो या फिर इसको question mark डाल दो, and you can write here this is a case of directly proportional. ठीक है,
And so 150 by 2.9 will be equal to x by 17.4. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था x1 by y1 is equal to x2 by y2, वैसे भी कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो. प्लस प्लीज रिमेम्बर कि आपको इसका रेशियो देखना है. टेक केयर ऑफ द डेसिमल ऑल्सो, ज्यादा ये क्वेश्चन डेसिमल वाले ही आएंगे. ओके प्लीज कैलकुलेट क्रॉस मल्टीप्लाई करके. किसने निकाल लिया? 900. यस 900 इज करेक्ट आंसर. एवरीबडी डू, सब लोग कैलकुलेट करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए क्योंकि ये डेसिमल वाले नंबर्स हैं, थोड़े से ध्यान से करने वाले हैं. ठीक है, सी ऑप्शन आ रही है. 900 किस किस का आ गया आंसर? मेरे को किसी की वीडियो नहीं आ रही है, सिर्फ एक ही क्लास आ रही है मेरे सामने. अदर सेक्शंस आर यू लिसनिंग टू मी? ओके सो 900 इज द करेक्ट आंसर. सी ऑप्शन आ रही है, यू कैन मार्क इट. एक बार क्वेश्चन में परफेक्ट हो जाओ उसके बाद असर्शन रीजन करेंगे. एवरीबडी हैज टू डू बेटा, आप सारे करोगे ना, अपनी कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे जैसी आएगी, आंसर ठीक आएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा आपका कि यस वी कैन डू. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थ्री, एवरीबडी इज नोटेड. बेटे आपका कौन सा सेक्शन है? ओके आपके मैम है यहाँ पे. मैम बाकी सेक्शंस नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पे. I don't know. Are they listening to me? पहले सबने ज्वाइन किया हुआ था. All students are in this class. They are present, but why are not? They are looking in screen. I don't know. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Okay, बच्चे. Third question. This is very very important also. एंड लिटल डिफरेंट ऑल्सो. ठीक है, आपकी बुक में नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन, बट बहुत ईजी भी है. ठीक है, इफ एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई स्क्वायर. ठीक है, एक्स वेरीज डायरेक्टली, प्लीज नोट इट व्हाट आर दे सेड, कि एक्स वेरीज डायरेक्टली एज, वेरीज डायरेक्टली एज वाई स्क्वायर. इसका एज वाई स्क्वायर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंटेंस? का मीन ए टू डी. पार्डन, एक बार दोबारा बोलो बेटे. मैं ज्वाइन 83 83. ओके स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा है. ओके जस्ट अ मिनट, आप इसको करो आगे बेटा.
Who will tell me from 8B? What do you mean by this first line? बेटे इसका मतलब है कि अगर x वेरी कर रहा है तो साथ साथ में उसके x के साथ साथ क्या चीज वेरी कर रही है. हम मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में टू थिंग्स की टू क्वांटिटीज की बात होती है एट अ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे हम टू क्वांटिटीज क्या क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे x इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे y स्क्वायर भी इंक्रीज होगा और दोनों डिक्रीज हो रहे हैं. x डिक्रीज हो रहे तो y स्क्वायर भी डिक्रीज होगा. ठीक है, इसमें टू क्वांटिटीज हम क्या बात कर रहे हैं, एक्स और वाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली दे हैव सेड कि एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई स्क्वायर. यस, समबडी इज रेजिंग हिज हैंड. 8th बी, यस दैट गर्ल, यू कैन स्टैंड एंड टेल मी बेटा. यस यस, जल्दी से बता दो जिसने वो ब्लेजर डाला हुआ है मिडल में. यू आर रेजिंग योर हैंड, वेरी गुड. मैम द आंसर इज 12. आंसर इज 12. हाउ, कैसे बेटा 12 कैसे है बेटा? मैम बिकॉज एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. X and Y square. X and Y नहीं, X and Y. Mam, yes. Mam, yes, Y square. Y square. ठीक है, तो X आपको दिया हुआ है 4. X 4 and Y is equal to 5. X is equal to 4 and Y is equal to 5. ठीक है, if they are directly proportional, तो क्या होना चाहिए आपके पास? 4 by 25 should be equal to X by 225. ठीक है, क्योंकि आपके पास x जो है वो वेरी कर रहा है. x इज इक्वल टू 4 है, y स्क्वायर आपके पास कितना आएगा? y स्क्वायर कितना होगा? इज इक्वल टू 25. तो हमारे पास ये दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. 5 नहीं है, 25 है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, तो हमारा जो रेशियो आएगी वो 4 और 25 के बारे में आएगी. यस. So x by 25 they have said ki then find x when x is equal to y is equal to 15. So abhi hamara case hai y is equal to 15 ke liye. They are saying ki if y is equal to 15 what is x. So yahan bhi hame y square nikalna padega which is equal to 225. Hamara jo relation hai wo y x aur y square ke beech mein hai, x aur y ke beech mein nahi hai. Is it clear? This question is clear to you? ओके, तो हमने वाई स्क्वायर पे फोकस करना है. यहाँ पे एक्स 4 था तो वाई स्क्वायर 25 था. दे आर आस्किंग इफ वाई इज इक्वल टू 15 व्हाट विल बी एक्स. तो हमने वाई को नहीं लेना, वाई स्क्वायर को लेना है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 4 बाय 25 रेशियो ऑफ दिस एंड दिस एंड रेशियो ऑफ एक्स एंड 225. यहाँ पे यू हैव टू फाइंड 4 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू एक्स. Okay, please find out. Nines are 225 and x is equal to 36. This is the answer. Please note it down. Please revise our questions, okay? आपका टाइम हो गया बेटी? टाइम हो गया, टाइम. ओके बेटे, विल डू इट टुमारो. क्लास है यहाँ पे?